सो नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी HIIM यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली टी एक्सपोर्ट के बारे में। अगर आपको भारत से चाय एक्सपोर्ट करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, आज का ये वीडियो है चाय पे चर्चा। आज के वीडियो में हम पूरे चाय के रिलेटेड बात करेंगे, हाउ टू एक्सपोर्ट टी फ्रॉम इंडिया। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो चाय, तो आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट होंगे, क्या प्रोसीजर होगी, क्या क्या वैरायटी में एक्सपोर्ट होती है। पर आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको मैं पर्सन से मिलाना चाहता हूँ जिसके पास टी का सबसे अच्छा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो आज का ये हमारे गेस्ट फैकल्टी है, वो मिस्टर वीरेन सेजपाल। तो सेजपाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे, और आपसे हम सीखना चाहते हैं, आपके पास काफी अनुभव है टी के लिए, टी के एक्सपोर्ट बिजनेस में। आप टी के बड़े व्यापारी हो, आपके पास 6-7 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आपसे हम जानना भी चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं टी के बारे में, कि आप कैसे काम करते हो। तो सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारी YouTube चैनल। थैंक यू सागर भाई, आपने मुझे बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार मैं मानता हूँ। थैंक यू सागर भाई, यू मोस्ट वेलकम। तो वीरेन भाई, सबसे पहले आप मुझे ये चीज बताए कि आप इतने टाइम से चाय के बिजनेस में है, आप इतने बड़े व्यापारी है, आप खुद भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो मतलब भारत में से चाय जो एक्सपोर्ट होती है, ठीक है, जो हमने अभी रिसर्च किया था उसमें हमने देखा था कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो 21 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें $755.86 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, राइट। तो ये भारत से टी तो एक्सपोर्ट होती है, ये हम सभी को पता है, पर उनमें से कौन सी टी, कौन सी वैरायटी, कौन से टाइप की टी एक्सपोर्ट होती है, ये हमें सबसे पहले आपसे जानना। देखिए, जैसे चाय में तो बहुत सारी वैरायटियां होती है, आपने काफी सारी वैरायटियों के बारे में सुना भी होगा, जैसे व्हाइट टी है, पर्पल टी होती है, ग्रीन टी होता है, सीटीसी होता है, ऑर्थोडॉक्स टी होता है, उलोंग टी होता है, काफी सारी वैरायटीज आती है जो चाय में रहता है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं कि 80-85% अगर कोई चाय किया जाता है तो वो सीटीसी चाय होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर कोई एक्सपोर्ट अच्छे से होता है तो वो ग्रीन टी होता है, व्हाइट टी भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चाय है वो एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है, उसमें सीटीसी चाय जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होती है। बहुत अच्छी बात है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, वीरेन भाई की एक यूट्यूब चैनल भी है जो टी के रिलेटेड है, जिसमें चाय के रिलेटेड वीडियो होते हैं, उसके लिए जो लिंक है यूट्यूब हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर किसी को भी देखना है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर वहां पे जाके वो देख सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन वीरेन भाई आपको ये है कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीज भारत में कहाँ पे होती है, सबसे अच्छी वेरायटी वाली चाय कहाँ पे मिलती है भारत में, अगर हमें एक्सपोर्ट करना है। अगर बेसिकली देखा जाए तो चार ऐसी जगह है जहाँ पे चाय बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है चाय का। आसाम है, डुआर्स है, उसको आप वेस्ट बंगाल भी कह सकते हो, एक कांगड़ा है और एक साउथ, ये चार जगहों पे चाय बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का आज के जमाने में देखा जाए तो आसाम का और डुआर्स का जो चाय है वो सबसे ज्यादा अच्छा क्वालिटी का रहता है, उसका जो ब्रांड है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट के लिए फायदेमंद रहता है। तो मतलब ये चाय की रेंज क्या होती है, पर किलो कितने दाम में पड़ती है हमें, अगर हम लेने जाए? चाय डिपेंड करता है किस प्रकार का क्वालिटी है, उसके हिसाब से उसका प्राइस लगाया जाता है। अगर आप देखना चाहो तो 50 रुपए से या तो 30 रुपए से भी चाय का शुरुआत होता है और 80-90 हजार तक का भी चाय बिका। अगर मैं लास्ट ईयर का आपको बताऊं तो आसाम में 90,000 रुपीज पर केजी का भी एक गार्डन का चाय जो है उसका बिक्री हुआ था। उसके पहले उसी गार्डन का 75,000 का पर केजी चाय बिका हुआ। और अगर आप चाय के अगर बहुत ही कम क्वालिटी का है तो वो 20-25 रुपए पर केजी भी मिल जाए। लेकिन अगर ऑनलाइन एवरेज देखा जाए, अगर इंडिया के अंदर ऑनलाइन एवरेज देखा जाए कि कितने रुपए में अच्छी चाय बिकती है, तो वो आपको 150 से या 200 रुपए से एक्स गार्डन प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाता है। थोड़ा और ज्यादा अच्छा लेना चाहते हो तो 300-350 तक आप ले सकते हो। बिल्कुल, तो मतलब हमें एक्सपोर्ट अगर करना है
तो तकरीबन 100 रुपए से लेके 200 रुपए के बीच में हमें चाय की अच्छी वेरायटी एक्सपोर्ट के लिए मिल जाएगी, राइट? हाँ, 200 या 250 रुपए तक अगर आप लोगे तो एक्सपोर्ट के लिए अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात है। तो वीरेन भाई हमें एक ये चीज बताइए साथ में कि अगर हमें चाय एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारी ये प्रोसेस क्या होगी? मतलब हम जैसे चाय मार्केट में से हम लेते हैं, हमारे घर पे भी आज के दिन चाय बनती है, तो डायरेक्ट वो चाय पत्ती हम वो दूध में डाल के हम चाय बना लेते हैं, तो उसकी कुछ प्रोसेस होती होगी कि गार्डन में से कैसे चाय पत्ती लेके आए, क्या उसकी प्रोसेस क्या होगी? उसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी थोड़ा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि जो भी ब्रोकर आपका जो अवेलेबल है, आपने जो भी रखा हुआ होगा, वो ब्रोकर आपको सैंपल भेजेगा। उसके बाद आपको उसका लिकर टेस्टिंग करना पड़ेगा कि चाय का क्वालिटी कैसा है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। उसका क्वालिटी अगर आपको दिमाग में बैठ रहा है और उसका प्राइस अगर आपके दिमाग में बैठ रहा है, तो आप वहां से वो चाय बाय कर सकते हो। खरीदने के बाद तकरीबन 10 या 15 दिन के बाद वो चाय आपके वेयरहाउस में आता है। वेयरहाउस में आने के बाद उसको एज पर क्वालिटी जैसा भी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको उसको ब्लेंड करना पड़ेगा। ब्लेंड करने के बाद जो भी आपका जो भी बायर है, वो किस तरह का पैकिंग का उसका रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको उसको पैक करके वो मटेरियल जुगाड़ा रहेगा, वहां से चाय आपका एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, 20 से 25 दिन का प्रोसेस पूरा होगा। बिल्कुल। तो मतलब इसका पैकिंग मतलब क्या केजी में होता है, ग्राम में होता है? ये अभी अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो काफी सारा अभी होने लगा है पैकिंग। 5 रुपए का भी पैकिंग आता है, यानी कि 10-12 ग्राम से पैकिंग से लेके 5 केजी तक का भी पैकिंग आता है। अगर कोई बंदा लूज में चाहे चाहता है, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो काफी टाइम ये भी होता है कि सामने वाला बंदा आपको बोलेगा कि भाई मुझे आपके ब्रांड में नहीं, मुझे मेरी ब्रांड में पैकिंग करना है, हम लोग व्हाइट लेबलिंग करना चाहते हैं। तो आप उसको 25 केजी का या 30 केजी का पैक भी आप डायरेक्टली उसको बेच सकते हो। लेकिन अगर कंज्यूमर पैक अगर आप सोल्ड आउट कर रहे हो, तो उसमें 10 ग्राम से लेके 1 केजी 5 केजी तक का पैकिंग रहता है अवेलेबल। बिल्कुल अच्छी बात है। मतलब जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम उसका पैकिंग कर सकते हैं, बराबर? बहुत अच्छी बात है वीरेन भाई। और आगे मतलब टी के व्यापार में आप कितने समय से हो, ये थोड़ा हमें बताइए, आपके पास एक्सपीरियंस क्या क्या है चाय का? मैं 2011 से चाय के रैंक का बताऊं, मैं 2011 से लिकर टेस्ट करता आ रहा हूं। 12 साल से मैं लिकर टेस्टिंग कर रहा हूं। जो चाय के बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है ब्लेंडिंग होता है और एक होता है टी टेस्टिंग। ये दोनों अगर परफेक्ट आपका है तो ही आप चाय का बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। उसके अंदर लिकर टेस्टिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। जब आप चाय खरीदारी करते हो तो आपको पता चलना चाहिए कि ये चाय कैसा है और वो चाय आपको किस तरीके से उसको दूसरी चाय के साथ मिक्स करना है, वो लिकर टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। टेस्टिंग करने के बाद ही आपको ब्लेंडिंग का तरीका पता चलेगा और आप प्रॉपरली एग्जैक्ट ब्लेंडिंग कर पाते। तो 12 साल तक मैं लिकर टेस्टिंग का एक्सपीरियंस मेरा, और मैं अभी मेरा खुद का जो कंपनी है चाय का जो डस्ट जो मैं अभी बेच रहा हूँ उसको, वो मैं 3 साल से बेच रहा हूँ। उसके पहले मेरा फिनिक्स का बिजनेस था। तो ये मेरा और एक्सपीरियंस है चाय के लिए। बहुत अच्छी बात है वीरेन भाई। तो यहाँ पे मैं हमारे सारे दर्शकों को बताने वाला हूँ कि अगर आपको चाय के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए, तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन में हमें वीरेन भाई की यूट्यूब की लिंक और उसके नंबर हमने दे रखे हैं, आप उसका कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते। तो अभी ये वीडियो आगे हम लेके जाएंगे, एक्सपोर्ट की प्रोसेस में बारे में जानेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो वीरेन भाई यहाँ तक आपका जुड़ने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारी जैसे भी जितने दर्शकों है उसकी आप हेल्प करते रहे, हमारे साथ ऐसे ही आप मिलते रहे, जुड़ते रहे, ताकि लोगों को आपका नॉलेज मिले और वो भी ये बिजनेस में आगे बढ़े। आपका खूब खूब धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सागर भाई, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो आगे अभी ये वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको टी एक्सपोर्ट करना है इंडिया से, तो आप कैसे कर सकते हो, टी एक्सपोर्ट के व्यापार में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसीजर होगी, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे, सीखेंगे, ठीक है? तो अगर आप टी एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से, तो उसमें से सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है डॉक्यूमेंट की। इसमें कितने तरह के डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो देखिए सबसे पहले एक आपका IEC सर्टिफिकेट लगेगा, जिसको बोला जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। उसके बाद लगेगा GST सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, और आपको टी बोर्ड का RCMC लेना है, समझ रहे हो आप? आपको टी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद एक फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा।
तो ये हो गई कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात। अगर आपको चाय एक्सपोर्ट करना है तो उसमें आपके पास सबसे पहले कंपनी होनी चाहिए, कंपनी में आपके पास इतने जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए इतने डॉक्यूमेंट होने चाहिए चाहिए एक्सपोर्ट के लिए। अभी ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट अगर आपके पास कोई ऑर्डर आ जाए तो उसके लिए सेकंड थिंग ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट कितने कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उसमें आपको मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूं। उसमें सबसे पहले इनवॉइस लगता है, पैकिंग लिस्ट लगता है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा, बिल ऑफ लेडिंग लगेगा, और आपका बाय एयर एक्सपोर्ट हो रहा है तो एयर वे बिल लगेगा। उसके साथ आपका कोई यूरोपियन कंट्री में सामान जा रहा है तो उसके ईयू स्टैंडर्ड के हिसाब से उसके सर्टिफिकेट और लैब टेस्ट रिपोर्ट लगेगा, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आगे आपको मैं बताता हूं कि अगर आपको टी एक्सपोर्ट करना है तो भारत के कौन से ऐसे राज्य है जहां से आपको सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय मिलेगी। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आसाम। आसाम है वो भारत का 40% तक एक्सपोर्ट अकेला स्टेट है, ये कर देता है चाय का। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तो ये सारे स्टेट है जो टी प्रोड्यूस करते हैं, पर उसमें से सबसे अच्छी क्वालिटी वाली जो चाय है वो बनती है और एक्सपोर्ट होती है आसाम से। और अभी आगे वैल्यू एडिशन में करना चाहता हूँ ये वीडियो में, और टी के नॉलेज में आपका मैं वैल्यू एडिशन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की ओर से क्या क्या बेनिफिट और स्कीम का लाभ मिलता है। अगर आप चाय एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट की ओर से RODTEP स्कीम का लाभ मिलेगा, उसके बाद आपको एक DBK का भी लाभ मिलने वाला है। उसके बाद आपका टारगेट कंट्री कौन सा होगा, मतलब आप टी एक्सपोर्ट करना चाहते हो भारत से तो भारत से कौन से ऐसे कंट्री है कि जो सबसे ज्यादा टी इंपोर्ट करते हैं हमारे भारत देश से। उसमें सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, यूके, जर्मनी, नेदरलैंड, यूएई, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, जापान, रसिया एंड यूक्रेन। ये इतने देश है जो भारत से अच्छी मात्रा में चाय इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको चाय एक्सपोर्ट करनी है भारत से तो ये इतने देश है जिसको आप टारगेट करके आप चाय एक्सपोर्ट कर सकते हो भारत से। और उसमें से भी आपको बायर कैसे मिलेगा ये कंट्री में, तो आपको मैं बता दूं, हर साल चाय के रिलेटेड एक्सपो होता है, इंटरनेशनल एक्सपो, उसमें आप पार्टिसिपेट करके आप अपना सैंपलिंग वहां पे दिखा के आप अपनी कंपनी को वहां पे रजिस्टर्ड करके ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करके आप बायर पा सकते हो। सेकंड रास्ता है आप B2B पोर्टल का कॉन्टेक्ट करिए, वहां पे आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करें, वहां से भी आपको बायर मिल सकता है। और आगे आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप चाय एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो चाय के बिजनेस में कंपटीशन भी है, क्योंकि भारत के साथ और भी काफी देश है जो चाय बनाता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो आपको रेट, मार्केट और सिचुएशन देख के एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने काफी चीजों के बारे में जाना है। आज का ये वीडियो माइट बी पॉसिबल थोड़ा क्लियर नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये जूम मीटिंग पे पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है तो आपको पूरी क्लियर विजन नहीं आ रहा होगा, आपको ऑडियो भी मेरा शायद परफेक्ट नहीं सुनाई दे रहा होगा, पर जरूर आप शांति से समझिए, देखिए ये पूरे वीडियो को, तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा अगर आपको टी एक्सपोर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने सारी चीजों के बारे में समझा, जाना पैकेजिंग, लेबलिंग, डॉक्यूमेंट, प्रोसेस, कौन से स्टेट से चाय लिया जाए, कौन सी वैरायटी एक्सपोर्ट होती है, गवर्नमेंट बेनिफिट क्या है, कौन से इंपोर्टर कंट्री है, हाउ टू फाइंड बायर्स, एवरीथिंग अबाउट टी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, सारे कंसेप्ट के बारे में आज के वीडियो में हमने जाना, देखा और समझा है। तो आई होप सो कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो में ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।